व्रत वगैरह आप लोग रखते हैं उसमें फिर भी विधि विधान है। जो व्रत आप लोग करते हैं विधि विधान से कोई करे तब उससे कामना की पूर्ति होती है केवल, या स्वर्ग मिलता है केवल। और जो व्रत आप लोग करते हैं ना उससे कोई भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं, और वो भी विधि विधान से रखते रही है। मैंने स्वयं देखा नवरात्र आज ही समाप्त हुए है, आप व्रत खोले हुए नौ नौ व्रत रखते हैं आप लोग, क्या खाने पीने के व्रत दिन भर बस खाए जा रहे नॉर्मल खाना नहीं खा रहा है, बस बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं। और व्रत का मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब क्या होता है, रोज हम चार टाइम भोजन करते हैं और एक टाइम मुश्किल से भजन करते हैं। तो उपवास का मतलब होता है कि आज एक टाइम खाना है और चार टाइम भजन करना है। तो जरा लगाइए नौ दिन में आपने एक दिन में क्या चार टाइम भजन किया, लेकिन बस खाना नॉर्मल ना खा के अच्छा अच्छा खाना। और बहुत से लोग तो चाय पिए जा रहे हैं, चाय तो पी दी और कुछ थोड़ी खाया, कोल्ड ड्रिंक ये तो पानी है इसमें क्या है, ये तो फल है इसमें क्या है। और हमारे महाराज जी कहते हैं एक गिलास दूध पूर्ण आहार होता है, एक गिलास दूध पी लिया पूरा आहार आपने कर लिया। तो हमारे महाराज जी तो इसको कहते हैं लंघन करो अगर तुम्हें करना है, गुरुवार को या सोमवार को हफ्ते में एक दिन दो दिन लंघन करो। उसकी विधि महाराज जी ने बताई है, दोपहर का नाश्ता और दोपहर का खाना जैसा नॉर्मल आप लोग खाते हो वैसा खाओ, और उसके बाद ना तो कोई फल लेना है, ना कोई आपको दूध लेना है, ना कोई रोटी लेनी है, उसको कहते उपवास या लंघन। आपके पेट की मशीनरी को भी तो रेस्ट मिलना चाहिए ना, अगर हम कुछ भी खाते तो उसको पचाना पड़ेगा, तो ना तो पेट को ही रेस्ट मिला और ना ही हमारा जो असली लक्ष्य है भगवान नाम लेने का वो हल हुआ, क्योंकि अच्छा अच्छा खाना खा लिया, खूब कूटू की पकौड़ी खा रहे हैं, सिंगाड़े की पकौड़ी खा रहे हैं, खूब फल खा लिए, हल्का खाना खा के तो फिर भी देर से सोते थे, भारी खाना खा के और जल्दी नींद आ गई। और फिर इससे मिलना क्या है, केवल कामना की पूर्ति होगी, वो भी अगर आप विधि विधान से रखोगे तो। महाराज जी क्या कह रहे हैं, रामायण की चौपाई भी तो यही कह रही है, यही करिकार ना साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत। आप लोग कैसे ये चौपाइया पढ़ते हैं और सुनते हैं और कुछ अमल नहीं करते जी, हम महाराज जी को भी मानते हैं, भक्ति भी करते हैं और ये नवरात्रे वगैरह भी करते हैं, सारे व्रत भी रखते हैं, और वो भी कोई विधि विधान से नहीं, जितना हो गया उतना ठीक है जी, हम माफी मांग लेते हैं हरि गुरु से, ऐसे नहीं। एक पर करो अनन्य भक्ति करो तभी कुछ मिलेगा, ये दो नाव में पैर रखने से कुछ नहीं मिलेगा।